व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अदर थग लाइफ वीडियो। आप लोगों ने सर्च किया था कि सुरेश चौहान सर के थग लाइफ पर भी रिएक्ट करें, जो कि न्यूज एंकर हैं। तो आज हम देखते हैं, और जो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनके मैंने ना एक दो बार वो शोज देखे हैं, टीवी शोज। मतलब कि जिस जो इनका अंदाज है ना, अलग ही लेवल का। तो करते हैं साथ में एंजॉय। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। फेवरेट मोमेंट कौन सा था कमेंट करना, जितना हो सके शेयर भी कर देना। 1 2 3 को के जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं। तो क्या होता है इसका मतलब? है अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, तो फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? अब अल्लाह महादेव को किसने पैदा किया है? किसने किया महादेव को? मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह को महादेव ने पैदा किया, ऐसा कहना चाहिए। अगर आप कहते हो तो ये आपका कहना है, क्योंकि अल्लाह को मानने वाले तो 1400 साल पहले आए, महादेव को मानने वाले तो उसके पहले से आए। क्या बढ़िया था गुरु। मैं तो कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तानी को कुरान पढ़ना चाहिए, तभी तो उसको पता चलेगा ना कि क्या लिखा है। क्योंकि उसने ये कहा कि इस्लाम के अनुसार तो महात्मा गांधी भी जन्नत में नहीं गए हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्योंकि जो अल्लाह को नहीं मानता वो जन्नत में नहीं जाता। महात्मा ईश्वर अल्लाह के रही नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये कौन कहता है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे? ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं सुना। उनके पास कुरान भी था। ये जो भजन आपने कहा ये मंदिरों में तो होता है, मस्जिदों में कभी नहीं होता। नहीं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये नहीं गए। नहीं तो नहीं, मुझे सिर्फ तो आइटम गर्ल है आपकी, जैसे फिल्मों में होती है। अगर आप हमें गाली नहीं देंगे, हमें सांप्रदायिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान चले जाओ नहीं कहेंगे, तो आपकी दुकान कहाँ चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सिवा कोई माल है ही नहीं आपके पास। हमसे मजबूत विरोधी कहाँ मिलेगा? आप क्यों बोलते हैं? चलिए, हमें शौक है आइटम गर्ल का आइटम सॉन्ग देखने का, आप नाचना बंद कर दीजिए। बड़ा आसान काम है, जहाँ पर प्रोफेशन दिखाना है वहाँ पर प्रोफेशनल हो जाओ, जहाँ पर राजनेता बनना है वहाँ पर राजनेता हो। ये आप करते हो, ये आप करते हो। जहाँ इंसान बनना है इंसान बन जाते हो, जहाँ जर्नलिस्ट बनना है वहाँ जर्नलिस्ट बन जाते हो। हाँ हाँ, लेकिन आतंकवादी समझ तक नहीं बनते कहीं। वीडियो को आप 2 मिनट का देख चुके हैं तो समझ तो गए ही होंगे कि ये थग लाइफ किसके ऊपर है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का मकसद कतई हेट फैलाना किसी को, या दुष्प्रचार करना या किसी भी धर्म के प्रति बोलना नहीं है। ये वीडियो इस पर्पज से है कि जो आम जन में या जो भावनाओं के ऊपर सवाल उठते रहते हैं अलग अलग कम्युनिटीज पे, ये जो एंकर है सुरेश चौहान के, ये साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में उठाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके प्रोग्राम बिंदास बोल पे कई बार बैन लगाने की भी कोशिश की, कई बार सीधे सीधे वो क्या क्या बोलते हैं ये देख के आपको मजा आ जाएगा। इवन मैंने देखा तो मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। मैंने सोचा इसीलिए एक एपिसोड या एक थग लाइफ इनके ऊपर बनाई जाए। थोड़ा सा मैं सुरेश जी के बारे में भी यहाँ पे बता दूं। सुरेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जब 3 वर्ष के थे तब से स्वयंसेवक हैं। उन्होंने कई सारे सेरेमनी में भी और उसमें भी भाग लिया है जो पथ संचलन होता है। एज ए मेंबर ऑफ आरएसएस ही वर्क प्रो आरएसएस न्यूज़पेपर तरुण भारत, मतलब उन्होंने जो आरएसएस का न्यूज़पेपर था जो कि 1919 में शुरू हुआ था, तरुण भारत में भी काम किया फुल टाइम रिपोर्टर के रूप में। 2005 में उन्होंने पुणे में सुदर्शन न्यूज की स्थापना की और शुरू किया। उसके बाद उन्होंने नोएडा इस चैनल को शिफ्ट कर लिया। इस समय वो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर इन चीफ है सुदर्शन न्यूज के। दोस्तों इस वीडियो का एक ही पर्पज है कि आप एंटरटेन हो सके, आपके फेस पे स्माइल आए, और स्माइल आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके आपका बेस्ट डायलॉग क्या है वो बता देना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आतंकवादी का कोई मजहब या कोई धर्म नहीं होता। क्यों ऐसा बार बार आप लोग कहते हैं ऐसा? वो बेचारे तो वहाँ 72 हुरो के लिए अपनी जान देते और आप कहते हैं कि आप वो मुसलमान नहीं है। 72 आपको मिलवाता हूँ कांग्रेस के कद्दावर नेता महासचिव दिग्विजय सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको आपके नाम के साथ सिर्फ दिग्विजय सिंह इसलिए लगा पाया कि मैं श्री लगाऊं मोहम्मद लगाओ क्या लगाओ कंफ्यूज था। मां जी है भैया जी, आप तो
आपका बचपन से ही आरएसएस के साथ जुड़ाव रहा है ये मैंने आपका और मैं संघ का सदस्य था अच्छा। हूँ रहूंगा अच्छा ये तो लाइफ टाइम ये बता के मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए और बताने से होने वाला कोई भी नुकसान मुझे मंजूर इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम पढ़ रही थी उन्होंने आपके चैनल पे कुछ दो तीन लाइन लिखी थी तो कुछ लोगों का मानना है कि ये टेंशन बढ़ा रहे हैं सोसाइटी में ऐसे ज्यादा हिंदूवाद को बढ़ावा देके या किसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट हिंदूवाद हिंदुस्तान में नहीं बढ़ाएंगे मैडम तो पाकिस्तान में बढ़ाएंगे क्या बात है एक ऐसा गेस्ट हमारे साथ है जिनको बॉम्ब धमाके में अरेस्ट हुआ है एक साल की सजा हुई है अबू अजमी कोर्ट ने सजा सुनाई 2000 में आपने झूठ सजा सुनाई खत्म हो गई क्या कहा आपने खत्म हो गई इसने कहा कि हिंदुस्तान का टुकड़ा कर देंगे नहीं हमने कहा धर्म के ऊपर आंच नहीं आ सकती और सुनिए उसको भी गलत तरीके से दिखाया गया है अच्छा ये बोलने के लिए सजा नहीं हुई मुझे आपको गलतफहमी हो रही है मुझे सजा एक मजिस्ट्रेट ने दे दिया था हाई कोर्ट ने उस सजा खत्म कर दिया कहा गलत केस चला है फिर से जाओ मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस चलाओ इसे गलत फैसला हुआ आप क्या बात कर रहे हैं ताली बजाइए आप अरे क्या ताली बजाइए आप तो छूटे कैसे इसकी जांच होनी चाहिए मुंबई पे आते मुंबई के राजनीति पे आते मैं आज देख रहा था प्रोफाइल पढ़ रहा था मैं भी हूँ महाराष्ट्र का लेकिन आज आपकी इंटरव्यू करने आया तो देख रहा था कि महाराष्ट्र के सबसे अमीर राजनेता अबू अजमी उससे बड़े बड़े सारे हैं मैं सबसे छोटा हूँ शरद पवार के राज्य में शरद पवार सबसे अमीर राजनेता नहीं है अबू अजमी ये तो मजाक हो जाएगा ना ऐसा है ना तो मजाक है ना ये तो कागज पे आपने लिख के दिया है सच्चाई दिया ना मैं तो शरद पवार ने झूठ दिया पता नहीं शरद पवार अपनी सारी की सारी चीजें ओपन करके देता हूँ क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है मैंने कोई राजनीति से एक रुपया कमाया नहीं बल्कि हजारों लाख रुपया राजनीति में खर्चा करके लोगों की मदद करता हूँ इसमें दाऊद के कितने अभी गड़बड़ कहा है ये ध्यान में अबू आजमी के यहाँ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ कहा है अभी ध्यान में अभी आप जाकिर नायक का क्यों समर्थन कर रहे थे क्योंकि आप तो औरंगजेब को फॉलो करते हैं अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है हमारे हामिद अंसारी साहब मदरसे से पास हो गया है क्या हामिद अंसारी का नाम ले रहे हैं जिनके डिप्लोमेट रहते हुए उनके राष्ट्रीयता पर शक लिखने उठाने वाली किताब लिखी गई है रॉ के ऑफिसर के द्वारा ये तो देखिए आप रॉ के ऑफिसर ने कहा कि आप ईरान के लिए काम करता था कि हिंदुस्तान के लिए काम करता था जो आप जिसको जिस आदमी का जिना के बगल में फोटो लग रहा है उस हामिद अंसारी का नाम आप ले रहे हैं अरे फिर 10 साल तक आपका उपराष्ट्रपति रहा है वो तो ऐसे कैसे संवैधानिक बलात्कार इस देश पर हुए उसमें से एक वो भी था अरे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते आई क्लेम फॉर टू बी प्राइम मिनिस्टर ब्रेकिंग न्यूज है बिल्कुल प्रधानमंत्री बनना चाहते और कहते हैं या तो पागल खाने भेजो हमें या प्रधानमंत्री बनाओ इंसल्ट ना करें हमें पूरे राजनीतिक जीवन में एक दाग दामन पर नहीं आरएसएस के साथ एक बड़ी परेशानी यह है कि वो फुटपाथ पर रखा हुआ जो इतना सा किताबचा होता है उसे पढ़कर आरएसएस का कार्यकर्ता बनता है इनसे कहिए इतिहास पढ़ें और इतिहास पढ़ने के लिए बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। इतिहास किसका पढ़े चाटुकारों ने लिखा हुआ इतिहास पढ़ के क्या फायदा है इतिहास वो पढ़ना चाहिए जो सच्चा था तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर बोल बच्चन शान पत्ती चल छोटे कम कर कॉल करके देख मेरा नंबर और ऑफिस नंबर सहमत है ना या उसमें भी कुछ अल्लाह राज्य वगैरह कुछ ये देखिए मैं जहाँ भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ ओबीसी आ जाता है ये देखिए ओबीसी आ गया मेरे हर इंटरव्यू में ओबीसी की एंट्री आप कोई भी चलते चलते देखिए जैसे उसका नाम आ जाता हालांकि ये इनकी बदनामी मैं इन दोनों की माफी मांगता हूँ क्योंकि ईमानदार होते हैं यहाँ आना तो सुवर नहीं चाहिए था लेकिन अब वो कुत्ते आ गए म्यूजिक मैं जो कहता था अल्लाह वो जो आलू का भाजी बदल लिया साला जो किसान है वो बर्बाद आलू कहते समय भी अल्लाह मुंह में आलू ऐसा होता है अब आलू कहने के लिए भी अल्लाह मुंह में आ रहा है राम राम सिब्बल जी राम राम भारत माता की जय भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम आज आपके साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं आप भी पूछ लीजिए हाँ तो वही आपके हम तो उन्हीं की तरफ से पूछेंगे चलिए चलिए हम तो आतंकवादियों की तरफ से नहीं पूछेंगे जैसे आप पूछते हैं तो ये जो हिम्मत है एक बार ऐसी हिम्मत दिखाए ना कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है ये तो आपका विचार है मैं कहता हूँ राजनीति के बना है कैसे क्यों कहूंगा वैसे तो गांधी जी का काम कर रहे हो कौन राहुल गांधी राहुल गांधी मेरे नेता हैं आप उन पे टिप्पणी करना बंद कर दीजिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैंने अच्छी मैंने गांधी जी से तुलना की मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं क्या गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं मैं जानता हूँ
राहुल गांधी मेरे नेता है, सोनिया गांधी मेरे नेता है और इस जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना? दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी कांग्रेस में रहेगा। चलिए ये तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है, कोई बात नहीं, जो खत्म सब छोड़ के आए हैं, सब छोड़ पीछे जाने का रास्ता बंद करके आए। शिवाजी महाराज कहते थे बिल्कुल अगर किला फतह करना है तो वापसी का रास्ता, वापसी का रास्ता नहीं होना। हमारा हमारे हीरो शिवाजी है, बाबर नहीं है। गर्व से कहो हम हिंदू है, पावन धरा के बिंदु है, जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया उस सिंधु। तो दोस्तों ये वाला आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। बढ़िया लगा और मुझे लगता है कि इनको अगर इंटरव्यू देना होगा तो आदमी पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहता है, भैया कुछ भी पूछ सकते हैं। ये तो बहुत खतरनाक हिम्मत है इनको इंटरव्यू देना। मैं तो कहूंगा भैया जिन्होंने सीधा कहते हैं वो क्या बोला कि हमारे वो शिवाजी हमारे आइडल बाबर नहीं है। शिवाजी हाँ, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ वो भी आजाद से यार। ओ भाई साहब यार, मैं इन दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। गजब, मतलब कि गजब ही जो जवाब दिए ना, क्या बोला कि आप मानते हो ना कि मतलब कांग्रेस नहीं रहेगी उस तरीके से। क्या तो भाई साहब, मतलब गजब है, मतलब इनकी ना तगलाई। तो अपनी ही तरफ से पूछूं, एक वो सोच रहा आज मैं दाऊद के कितने हैं, वो कहते हैं ना पूछा था ना कितना मेरा ये मैं इतना गया तो, वो नहीं उन्होंने कहा कि मैंने लोगों के लिए हजारों लाखों लोगों की हेल्प करने में इतना कर दिया, दाऊद के कितने थे। हाँ मतलब ये चीज तो है, एंकर हो ऐसा। हाँ तो अपनी तरफ से पूछूंगा ना, आतंकवादियों की तरफ से। देखो क्या होता है कि यहाँ पर हम एक चीज क्लियर कर दे, जब भी कोई एंकर पूछता है, एंकर लोगों की बातें पूछता है और अगर एक एंकर बहुत ही दबंग तरीके से सब हो था, आप नाचना बंद कर दीजिए हमारा शो बंद हो जाएगा, ये बोला था याद है। हाँ वो चीज थी। आई एम श्योर ये तगला वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट तक ही ले। बाकी आप और वीडियोज भी शेयर कर सकते हो, जितना हो सके शेयर कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।